Let's do question number 8th of exercise 4C, that is quadratic equation. Question number 8 is, find the roots of the following equations. Hame roots nikalne dono equations ke, and if they exist by applying the quadratic formula. Hame quadratic formula apply karke in dono equations ke roots nikalne. To 8th question hai, 2x square minus 2 root 2 x plus 1 equals to 0. Chaliye karte hain. तो हमारा 8th क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले 8th क्वेश्चन है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अब हमें रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले d चाहिए. d के लिए हमें a b c पता होना चाहिए. तो a क्या है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज 2, b क्या है x का कोएफिशिएंट दैट इज 2 रूट 2 और c क्या है कांस्टेंट दैट इज 1. तो हम d निकाल लेते हैं. d का फार्मूला होता था हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac. तो b क्या हुआ हमारा माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4. a कितना है 2 और c कितना है 1. तो कितना आया माइनस माइनस प्लस हो गया 2 2 इज अ 4 और रूट 2 इनटू रूट 2 इज 2. तो ये कितना आ गया 4 2 2 इज अ 4 इनटू रूट 2 इनटू रूट 2 इज 2 दैट इज 8 आ गया. तो 8 माइनस अब यहां देखें 4 2 इज अ 8 8 ही आ रहा है दैट मींस d कितना आ रहा है 0 d 0 आ गया. अब हमारा अब हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे. अल्फा की वैल्यू होती थी माइनस b प्लस रूट d अपॉन 2a. तो कितना आ गया माइनस b कितना है माइनस का 2 रूट 2 प्लस 0 0 का रूट 0 ही होगा अपॉन 2a कितना है 2 है. तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस तो ये आया 2 रूट 2 अपॉन 4. तो ये कितना आ गया 2 1 2 2 2 4 तो ये कितना आ गया रूट 2 अपॉन 2 को क्या लिख सकते हैं हमें पता है 2 को रूट 2 इनटू रूट 2 भी लिख सकते हैं. तो एक कैंसिल हो गया रूट 2 तो ये आ गया 1 अपॉन रूट 2. इसी तरीके से अब बीटा निकालते हैं. बीटा की वैल्यू क्या आएगी बीटा हमारा देखिए माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a होता था. तो b कितना है हमारा माइनस माइनस का 2 रूट 2 और माइनस 0 0 का रूट 0 ही होता है 2 इनटू a a है हमारा 2. तो ये कितना आ गया माइनस माइनस प्लस तो प्लस 2 रूट 2 अपॉन 4. अब 2 1s are 2 2 2s are 4 तो ये क्या आ गया रूट 2 अपॉन 2 आ गया. अब 2 को क्या लिख सकते हैं हम रूट 2 इनटू रूट 2 लिख सकते हैं. तो हमने लिखा रूट 2 इनटू रूट 2 तो एक रूट 2 एक रूट 2 से कट गया. तो ये कितना आ गया 1 अपॉन रूट 2 इज द आंसर. तो हमारे दो रूट्स कौन कौन से हो गए 1 अपॉन रूट 2 एंड 1 अपॉन रूट 2 आर द टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9th. क्वेश्चन नंबर 9th इज रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 रूट 2 इक्वल्स टू 0. चलिए करते हैं अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं. 9th क्वेश्चन हमारा था रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स प्लस 5 root 2 equals to 0. तो अब सबसे पहले d निकालने के लिए हम a, b, c निकाल लेंगे. a है x square का coefficient, b है x का coefficient और c है constant value, right? अब d क्या होता है? d होता है हमारा b square minus 4ac. तो b क्या है हमारा 7, तो 7 का square minus 4, a है हमारा root 2 और b है हमारा सॉरी c है हमारा 5 root 2. तो ये कितना आ गया 7 7 is 49. तो 49 माइनस अब ये देखिए 4 5 is 20 एंड root 2 into root 2 is 2. तो 22 is कितना हो गया 4 5 is 20 root 2 into root 2 is 2. तो ये कितना आ गया 40 हो गया. तो यहां आ गया 40. तो d कितना आ गया 9. अब अल्फा निकाल लेते हैं. अल्फा क्या आता है था माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a माइनस बी है हमारा 7 प्लस डी है हमारा 9 अपॉन 2 इनटू रूट 2
ए है हमारा रूट टू, तो ये कितना आ गया माइनस सेवन प्लस नाइन. हमें पता है स्क्वायर रूट किसका होता है, थ्री का होता है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया थ्री अपॉन टू रूट टू. तो माइनस का सेवन है, थ्री प्लस का है, तो ये कितना आ गया दैट इज फोर अपॉन, लेकिन माइनस का फोर आया टू रूट टू. तो टू वन ज टू, टू टू ज फोर, तो इसको क्या लिखेंगे हम माइनस, ये देखिए टू को हम लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू अपॉन रूट टू. एक रूट टू से एक रूट टू कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस रूट टू आ गया अल्फा की वैल्यू. अब हमें बीटा की वैल्यू निकाल, बीटा की वैल्यू क्या आएगी हमारी, बीटा का फॉर्मूला होता था माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए. माइनस बी है हमारा सेवन और डी है रूट नाइन, सेवन माइनस रूट नाइन अपॉन टू, ए है हमारा रूट टू, तो ये कितना आ गया माइनस सेवन. नाइन को स्क्वायर रूट थ्री का होता है, नाइन का स्क्वायर रूट अपॉन टू रूट टू. अब माइनस के दोनों है, माइनस का सेवन है और माइनस का ही थ्री है, तो आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का लग जाएगा, तो माइनस का टेन अपॉन टू रूट टू. अब ये देखिए टू वन ज़ा टू, टू फाइव ज़ा टेन, तो कितना आ गया बीटा माइनस फाइव अपॉन रूट टू, राइट. अब हम फाइव को रूट फाइव इंटू रूट फाइव लिख सकते हैं, लेकिन रूट टू से रिलेटेड कुछ नहीं लिख सकते, तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे. तो हमारा रूट कौन सा आ गया माइनस फाइव रूट टू आया एक तो, और दूसरा कितना आया माइनस रूट टू इज द आंसर.